सब्जी की कई सारे वीडियोज देखे होंगे, कई तरह के फसलों की वीडियो देखे होंगे, लेकिन आज की इस वीडियो में ना मैं आपको ये मैनुअल सीड मशीन दिखाने वाला हूँ जो कि बुआई करने के लिए काफी उपयुक्त है। और अगर आप हाथ से बुआई करते हैं या फिर ट्रैक्टर से करते हैं, ट्रैक्टर में खर्चा ज्यादा आता है, हाथ से करते हैं तो अभी कमर दर्द हो जाता है और आपको काफ़ी ज़्यादा जो है समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको ये मशीनें दिखाने वाला हूँ, तो कंपनी के जो ऑनर हैं हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ये मशीनें किस तरीके से काम करती हैं, क्या प्राइस रहने वाला है, सब कुछ जानने वाले हैं, तो चलिए हम उनसे जुड़ते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप इतनी दूर चल के हमारे जो आपके ऑडियंस हैं जी, जो सब्जी वगैरह की खेती करते हैं, उनकी मुख्यतः समस्या आपने देखी और आप फिर मेरे पास इन मशीनों को किसान भाइयों तक पहुंचाने के लिए आए। तो पहले तो सभी मेरे किसान साथियों को नमस्कार, राम राम हाथ जोड़ के, और आकाश जी का भी हमारे तहे दिल से स्वागत है हमारी किसान पावर एग्रो इंडस्ट्री में। जी सर, तो ये किस तरह की मशीनें हैं, शुरू कीजिए इनके बारे सर। ये हमारे मैनुअल सीडर बोला जाता है, ड्रम सीडर भी बोला जाता है और प्लांटर भी इनको बोला जाता है जी। तो इनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। आपने कहा कि हमारे किसान भाई जो सब्जी की खेती करते हैं तो उनके कमेंट्स वगैरह आते हैं कि सर ऐसी कोई बीज की मशीन दिखाइए जिससे भी हमारे जो सब्जी की बीज लगाते हैं उन्हें लगाने में आसानी हो, क्योंकि हमें झुक झुक के बीज लगाना होता है तो हमारी कमर दर्द करने लग जाती है, या फिर जो है हम कई एक्स्ट्रा लगाना एक बीज है वहाँ पर 3-4 बीज लग जाते हैं, तो बहुत सारी समस्या, या फिर ट्रैक्टर वाले को बुलाना पड़ता है, अब काम कम है पैसा हमारा ज़्यादा लग रहा है। तो उसी समस्या को देखते हुए आज मैं आपको इस वीडियो में जो है सीड ड्रिल मशीन के 3 मॉडल आप कवर करने वाला हूँ जी। तो सबसे छोटी जो मशीन है सर, इससे शुरू करते हैं जी। ये सर बहुत ही पॉपुलर और बहुत ही डिमांडेबल हमारा सीडर मशीन है जी, जो कि ये पुशअप सीडर इसको बोल सकते हैं। इसको ऑपरेट करना बहुत ही ईजी है मेरे किसान साथियों। इससे आप चाहे आपका मक्का हुआ, मटर हुआ, सोयाबीन हुआ आपका, चाहे आपका घिया हुआ, तोरई हुआ, लौकी हुआ, भिंडी हुआ, आप अदर टाइप के बहुत सारे बीज लगा सकते हो। इसमें आपको मेरे किसान साथियों बीज के हिसाब से 5 से 6 प्रकार के आपको गियर्स आपको इसमें मिल जाते हैं। इससे काम करना इतना ईजी है मेरे किसान साथियों कि आप परेशान नहीं होंगे। आपको झुक कर जो बीज लगाते थे पहले आप, तो वो समस्या आपको अब नहीं आएगी। मैं आपको एक बार बीज लगा के आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से ये काम करने वाली है, और फील्ड में भी आपको डेमो इसके देने वाले हैं। तो मेरे किसान भाइयों ये इस तरीके से पकड़ के हमें खड़े खड़े इस तरीके से ये पुश करनी होती है। आप देख सकते हो अभी मैंने ये जमीन में गड़ जाएगी, लगभग 1 इंच 1.5 इंच जमीन में गड़ जाएगी और आपका जो बीज भी है वो फिक्स रहेगा। अब जैसे ही मैं प्लांटर को ऊपर करूंगा तो आप देख सकते हो इसकी निब है वो खुल जाएगी, तो हमारा बीज है वो जमीन में गिर जाएगा और ये बाहर निकल के आ जाएगा और वहीं की वहीं हमारा जो सीड है वो जो है मेरे किसान भाइयों बिल्कुल मिट्टी में दब जाएगा। तो मेरे किसान भाई को अब खड़े खड़े बीज लगा सकते, कोई समस्या नहीं आने वाली है जी। और जैसे किसान भाइयों आपने देखा होगा कि पहले हम गड्ढा खोदते हैं, फिर बीज को डालते हैं, फिर मिट्टी डालते हैं, इसमें कोई ऐसा करने की जरूरत नहीं, बीज अपने आप मिट्टी के अंदर जाएगा और अपने आप ऊपर से मिट्टी आ जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल सर बिल्कुल। और ये हमने बहुत ही हैवी प्लास्टिक की बनाई हुई है, और अभी हमारे किसान साथी सोच रहे होंगे कि ये निब में तो जंग लग जाएगी, खराब हो जाएगी। मेरे किसान भाइयों ये स्टेनलेस स्टील की इसमें निब दी हुई है, और यदि हम लोग ये प्लास्टिक की देते तो थोड़ी हार्ड जमीन होती तो उसमें धस नहीं पाती, तो इस वजह से हमने स्टेनलेस स्टील की दी हुई है, ये जंग नहीं पकड़ेगी, ये हमारी गारंटी है।